जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 61 का प्रिंट आउट ले। 61 आप लोगों को मिली हुई है, चेक करो। एग्जांपल ऑफ सोलेनोइड लिखा हुआ है, इस पे लिख लो बड़ा बड़ा एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने वही नीली बुक में से ये क्वेश्चन कॉपी किए हैं। ये प्रॉपर एनसीईआरटी है, उसमें सोलेनोइड के जो क्वेश्चन है वो मैंने किए, तो सोलेनोइड के लिए आप प्लीज इस पे एनसीईआरटी करो। तो इसमें ये पढ़ के जाना है एनसीईआरटी के लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। एक सोलेनोइड में 300 टर्न्स पर मीटर है, तो एन गिवन है 300 टर्न्स पर मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, लेंथ ऑफ सोलेनोइड गिवन है 0.5 मीटर एंड हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर है और रेडियस बहुत छोटा है, तो एक लॉन्ग सोलेनोइड ट्रीट किया जाता है। तो इसमें कोई फाइनाइट सोलेनोइड नहीं लेंगे, तो ये लेंथ और रेडियस की वैल्यू तभी गिवन होती है ताकि आपको ये पता लग जाए इट इज अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो फॉर्मूला तो वही है, बी का म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट का मतलब 4π × 10⁻⁷, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई का मतलब करंट, आंसर टेस्ला। ठीक, तो लेंथ किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए, इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, एक सोलेनोइड की लेंथ गिवन है और उस लेंथ में उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है और एंड मेड अप ऑफ 500 टर्न्स है। तो एक लेंथ है और लेंथ कितनी है, एक लेंथ 0.5 मीटर में 500 बार उसको घुमा दिया गया, टर्न्स ही दिए गए। इट कैरीज अ करंट गिवन, मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक्सिस पे, तो एन चाहिए, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ आंसर। तो लेंथ क्योंकि 0.5 मीटर है, रेडियस बहुत छोटा है, तो ये आर करो, लेंथ इज ग्रेटर देन आर, ए नहीं है ये आर है, तो एल इज ग्रेटर देन आर, तो ऐसे केस में इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो यू कैन राइट बी इज म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की जगह 4π × 10⁻⁷, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट हमें पता है, आंसर सेम फॉर्मूला बेस्ड, कोई डाउट इसमें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें लेंथ में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़े।
कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो इसमें एक ना लेंथ में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसने कहा कि एक कॉपर वायर है हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.01 ओम पर मीटर। इसका मतलब ये क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज यूज टू वाइंड अ 400 टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न 400 है और आपने सोलेनोइड बनाना है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो सोलेनोइड को लपेटा गया इस 20 सेंटीमीटर के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे, तो ये 400 टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या आएंगे, 400 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻²। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को जब लेंथ से डिवाइड करते हो तो जो लेंथ होती है वो ये लेंथ होती है, वो वायर की लेंथ नहीं होती, तार की लेंथ नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है जिसपे आपने उसको लपेटा है। क्लियर यहां तक? डिफरेंस समझ में आ रहा है? कई लोग सोचते हैं कि ये लेंथ होगी पूरी की पूरी, नहीं ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ है। क्लियर यहां तक? तो अब आपको इस क्वेश्चन में एन पता लग गया, क्वेश्चन में बी पता है, बी पता है, और आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ईएमएफ बैटरी की कितनी यूज की, जो जिसने जो करंट जनरेट किया और उसमें पी का ही आंसर आ गया। मुझे ये मालूम है कि फॉर्मूला तो यही यूज होना है, बी इज म्यू नॉट एन आई, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, आई की जगह चेंज कर देंगे ओम्स लॉ, ई बाय आर, फिर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको वायर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब वो जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर नहीं होगी, तार की लेंथ निकालने के लिए आपको वायर की लेंथ निकालने के लिए एक टर्न का सर्कमफ्रेंस लेना है जो कि कितना है 2πr, एक लेंथ वायर की 2πr और ऐसे कितने टर्न है 400। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी पूरी वायर की इतनी है, ये 20 सेंटीमीटर नहीं है, 20 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वायर कितनी है और ये टोटल लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से पहले रेजिस्टेंस निकलेगी, कोई डाउट इसमें? रेजिस्टेंस आ गई, फिर बी इज म्यू नॉट एन आई, तो आपने ई को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, बी पता है, रेजिस्टेंस निकाल लिया, एन पता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लेंथ में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ये हॉरिजॉन्टल लेंथ लेनी होती है, वायर की लेंथ नहीं लेनी होती, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिनट रह गए बस। देखो हमने टोरॉइड किया था, टोरॉइड हमने ऐसे लिया था, राइट? देखो आगे, टोरॉइड ये लिया हमने, जब डेरिवेशन की थी ना उसमें हम ना एवरेज रेडियस लेके चलते थे, बीच वाला एवरेज रेडियस आर, ठीक। इसने कहा कि दो रेडियस हैं, अब दो रेडियस में एक रेडियस तो बाहर का ये वाला और एक रेडियस इनसाइड का अंदर वाला, तो हमने लिया बीच वाला रेडियस, ना बाहर का ना अंदर का, बीच वाला। ये कह रहे हैं कि दो रेडियस हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। क्लियर यहां तक? तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको इनसाइड और आउटसाइड रेडियस गिवन है, आपको बी निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। देखो टोरॉइड के अंदर बी का फॉर्मूला तो क्लियर है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ में आएगा पूरा सर्कमफ्रेंस, अब सर्कमफ्रेंस भी दो आएंगे, अगर आप इनर सर्कमफ्रेंस लेते हो तो इनर रेडियस, आउटर लेते हो तो आउटर रेडियस। इनर रेडियस छोटा है तो बी मैक्सिमम आ जाएगा, आउटर रेडियस बड़ा है तो फिर बी मिनिमम। तो दो बी की वैल्यू आएंगी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम।
क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो सोलेनोइड के क्वेश्चंस क्लियर है।